वन ईवी स्टॉक टू वॉच परंपरा के अनुसार नाम पहले बता देता हूं टाटा मोटर्स के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं सो नाम के लिए जो आए थे वीडियो यहीं खत्म होता है काम के लिए जो आए हैं उनके लिए वीडियो वीडियो यहां से शुरू होता है टाटा मोटर्स की अगर हम यहां पे बात करते हैं सो so, कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और वो ये है कि टाटा मोटर ने टियागो ईवी ये जो गाड़ी है वो सब टेन लाख कैटेगरी में लॉन्च की है मतलब दस लाख के नीचे की प्राइस पे ये गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल फोर व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो अनएफोर्डेबल काइंड ऑफ लगती थी चीजें पंद्रह लाख के ऊपर वो प्राइसिंग जा रही थी बट नाउ विथ लेस देन टेन लैक्स अगर हम यहां पे देखते हैं सो आई थिंक दे हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग सेगमेंट नाउ अभी 8.49 है आई थिंक विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वर्क So I think even उससे भी नीचे के लेवल्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां लॉन्च हो सकती है सो टाटा मोटर्स का ये जो स्टेप है काफी बड़ा स्टेप है आप थोड़ा सा वैल्यूएशन परस्पेक्टिव पे चलते हैं क्योंकि जैसे हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो पहले अगर किसी के दिमाग में कुछ चीज आती है तो वो है नाइन्टी करोड़ रुपीज की डेट और नाइन्टी करोड़ रुपीज की डेट वो मेजरली है उनके बिजनेस की वजह से एंड दैट्स मेन पेन पॉइंट तो यहां थोड़ा मारुति के साथ अगर हम करते हैं तो मारुति सुजुकी का लास्ट बारह महीने का जो रेवेन्यू है, सेल है 1 मतलब times, uh, price, uh, उनको मिला हुआ है सो so, अब यही चीज अगर हम टाटा मोटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो टाटा मोटर्स का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1.42 लाख करोड़ लास्ट 12 मंथ सेल अगर हम देखते हैं रेवेन्यू अगर हम देखते हैं टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड बिजनेस का यानी कि जेएलआर और टाटा मोटर्स डोमेस्टिक बिजनेस बोथ सब मिला के सो दैट नंबर इज अराउंड 2.87 लाख करोड़ रुपीज यानी 50 परसेंट से भी कम का प्राइस टू सेल्स मल्टीपल है मतलब पॉइंट का अब ये क्यों है बेजरली बिकॉज ऑफ द जेएलआर बिजनेस जिस तरीके का डेट वहां पे है तो वो मार्केट को लगता है यार ये कैसे चल सकता है सो यहाँ एक चीज समझनी होगी जेएलआर के बिजनेस पे जो उन्होंने एक कॉस्ट कटिंग के मेजर्स लेना शुरू किया है तो स्लोली 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 आई थिंक दे विल रिड्यूस डाउन दार्ट डेट पार्ट ऑफ जेएलआर लीन एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की कोशिश जेएलआर को चल रही है ये सीधे सीधे समझ में आता है अगर टाटा मोटर्स को जो वैल्यूएशन मिला है 1.42 लाख करोड़ रुपीस का दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ इंडिया बिजनेस तो ये भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओवरऑल इंडिया बिजनेस कैसे कर रहा है अगर इंडिया बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो देखना ही होगा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने अगर टेन बिलियन डॉलर का वेल्युएशन दिया होगा टाटा मोटर्स के एवी बिजनेस को दैट टू अट इक्विटी प्लेयर हु लुक्स फॉर ग्रोथ एक्सपोनशियल ग्रोथ दैट्स वेन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स टू पिक्चर ना दे आर नॉट हियर फॉर

चीबी का भी एक वेरिएंट आ सकता है मतलब अफोर्डेबल रेंज में वो दस से पंद्रह लाख की रेंज हो सकती है तो वहां पे गाड़ियां लॉन्च हो रही है सो so, अभी ये साल का उनका टारगेट है पचास हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना है की मैं बात कर रहा हूं पचास हजार सो करंटली इस साल में वो अराउंड अराउंड दस परसेंट तक का शेयर ऑफ द टोटल सेल्स वॉल्यूम वो रखना चाहते हैं सो नेक्स्ट ईयर दे हैव टारगेट ऑफ रीचिंग टू ईवी सेल्स

स्टेप इन राइट डायरेक्शन टाटा मोटर्स की तरफ नजर आ रही है अभी भी बड़े प्लेयर्स का रिलकटेंस ईवी मार्केट के बारे में समझ में आता है मारुति की का अगर हम बात करते हैं तो स्टिल दे आर बैंकिंग ऑन हाइब्रिड प्योर इलेक्ट्रिक तो वो अर्ली मोर एडवांटेज जिसने एटी तक का मार्केट शेयर ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स को दिया है दिस शेयर विल कम डाउन बट द डॉमिनेंट पोजिशन जो है टाटा मोटर्स की वो हिलाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है एंड दैट्स वाई दिस इज वन स्टॉक

Uh, the Tata Motors current uh, market price या फिर current valuation also जो listed है जो player, so that's why it's an interesting uh, space which is getting developed. इसपे नजर रखनी होगी दोस्तों. हमेशा याद रखिएगा हो सकता है रिजल्ट क्वार्टरली थोड़े से खराब आए चार छह क्वार्टर तक टाटा मोटर्स के बट ईवी बिजनेस को उनके वॉच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप टाटा मोटर्स के शेयर को एनालाइज करोगे तो ईवी बिजनेस मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट ईवी बिजनेस एंड डेट रिडक्शन प्रोग्राम ऑफ जेएलआर यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं टाटा मोटर्स के लिए सो so, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते एक राइट अप्रोच लेके रिसर्च का अप्रोच लेके चलते हैं तो इन्वेस्ट एन डॉट इन को विजिट करके नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज करके हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट एन डॉट इन को विजिट करना मत भूलेगा वो प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा प्लस एक फ्री ई लर्निंग कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट भी आपको मिल जाएगा तो इन्वेस्ट एन डॉट इन को विजिट करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद